अस्सलाम वालेकुम माय व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और जहाँ भी होंगे बहुत खुश होंगे। अगर आप आज मुझे पहली दफ़ा देख रहे हैं तो मैं हूँ ज़ारा और मैं अपने चैनल पर आपके साथ शेयर करती हूँ डिफरेंट आई मेकअप लुक्स, मेहंदी डिज़ाइंस, प्रोडक्ट रिव्यूज़ एंड डेली व्लॉग्स। आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ये ब्लैक आई मेकअप लुक विद अ ग्लिटरी टच। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। सो अब टाइम वेस्ट के बगैर अपनी वीडियो करते हैं स्टार्ट। आज की लुक के लिए मैं सबसे पहले आईब्रोज को फिल करूंगी। आईब्रोज को फिल करने के लिए पहले एक स्पूली की हेल्प से कॉम करूंगी, उसके बाद एक एंगल ब्रश से प्रोडक्ट अप्लाई करूंगी। यहाँ पर मैं पोमेड यूज़ कर रही हूँ, जेल पोमेड। तो उसको मैं पहले आईब्रो के नीचे वाले एरिया पर उससे लाइन क्रिएट करूँगी और उसके बाद वो लाइन क्रिएट करने के बाद अपर एरिया पर भी सेम लाइन क्रिएट करूँगी। आईब्रो को फिल करते हुए हमें हेयर लाइक स्ट्रोक्स देने होते हैं, इसलिए हम छोटे छोटे स्ट्रोक्स में ही आईब्रो को फिल करेंगे। अपर एरिया पर अप्लाई करने के बाद अब मैं सेम शेड से अपने आईब्रो को फिल कर दूंगी। जो हमारा लास्ट एरिया एंड होता है आईब्रो का वो डार्कर होता है, मिड थोड़ा सा लाइट होता है और जो फ्रंट एरिया होता है वो सबसे लाइट होता है। तो इसी तरह से मैं अपने आईब्रोज को फिल करूँगी, डार्क टू लाइट लेकर आऊँगी। फ्रंट एरिया पर मैं अपवर्ड स्ट्रोक्स दे रही हूँ क्योंकि वहाँ पर जो हमारे हेयर्स होते हैं वो अपवर्ड डायरेक्शन में होते हैं और जिस डायरेक्शन में हमारे हेयर्स होंगे आईब्रो के हम उसी डायरेक्शन में स्ट्रोक्स देंगे। उसके बाद मैं स्पूली की हेल्प से दोबारा से एक दफ़ा आईब्रो को कॉम कर लूँगी। इससे हमारा प्रोडक्ट ब्लेंड हो जाता है और सॉफ्ट लुक आती है। स्पूली से आईब्रो को कॉम करने के बाद मेरी आईब्रोज अच्छी तरह सेट हो जाएंगी। फिर अब मैं करूँगी आईब्रोज को नीट। नीट करने के लिए मैंने एक ब्रश की हेल्प से फाउंडेशन अप्लाई किया है आईब्रो के नीचे और ऊपर। आप किसी भी शेड का कंसीलर, फाउंडेशन जो आपके लिए बेस्ट हो वो अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद मैंने फुल आई पर आई बेस अप्लाई कर ली है। अब यहाँ पर मैं ले रही हूँ एक ब्लैक काजल जिसे मैं अप्लाई करूँगी लिड एरिया पर। फुल लिड पर मैं अप टू क्रीज काजल अप्लाई करूँगी। उसके बाद अब मैं एक ब्रश की हेल्प से विंग क्रिएट कर रही हूँ। विंग को मैं क्रीज एरिया से ज्वाइन कर रही हूँ। सो विंग को मैंने लाइनर की हेल्प से क्रिएट किया है। अब मैं सारी लिड के अराउंड एक बॉर्डर क्रिएट कर रही हूँ ताकि जो हमारा शेड है वो एक स्पेसिफिक एरिया में रहे और नीट लुक आए। तो छोटे स्ट्रोक्स में बॉर्डर क्रिएट करूँगी और इसे इनर कॉर्नर तक अप्लाई कर दूँगी। सो यहाँ पर अब हमारा बॉर्डर क्रिएट हो चुका है। उसके बाद अब मैं करूँगी विंग को फिल, जो कि हमने आउटर साइड पर बनाया था। विंग को अच्छी तरह से फिल करूँगी और डार्कर इंटेंस ब्लैक लुक आना चाहिए, इसलिए मैं उस पर बार बार लाइनर अप्लाई कर रही हूँ। सो यहाँ पर अब अच्छी तरह से हमारा विंग फिल हो गया है और एक दफ़ा से दोबारा फाइनल टच देने के बाद हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ मूव करेंगे। विंग को कम्प्लीटली फिल करने के बाद मैं एक फ्लैट ब्रश लेकर ब्लैक आई शेडो फुल लिड पर और विंग पर अप्लाई कर रही हूँ। ब्लैक आई शेडो अप्लाई करने से एक मैट लुक आता है और उसके अलावा आई शेडो जो होता है लॉन्ग लास्टिंग भी होगा। और अब मैं यहाँ पर एक प्रिसाइज ब्रश से ग्लिटर अप्लाई कर रही हूँ क्रीज एरिया में जहाँ हमने बॉर्डर क्रिएट किया था उसके बिल्कुल साथ साथ। इस ग्लिटर को मैं इनर कॉर्नर से आउटर कॉर्नर तक लेके जाऊँगी जो हमने विंग क्रिएट किया था उस तक। क्रीज एरिया में ग्लिटर अप्लाई करने के बाद अब मैं लाइनर की तरह अप्लाई कर दूंगी ग्लिटर को लैश लाइन के साथ और विंग भी क्रिएट करूंगी। विंग के लिए मैंने जो पहले ब्लैक शेड से विंग क्रिएट किया हुआ था उसको लाइनिंग कर दी है उसकी इस ग्लिटर से और इसको अपर एरिया से जोड़ दिया है। सो अब यहाँ पर मैं अप्लाई कर रही हूँ काजल। सेम लाइनर को मैंने एज अ काजल वाटर लाइन पर और लैश लाइन पर अप्लाई किया है। यहाँ अब काजल अप्लाई हो चुका है। उसके बाद मैंने एक सिल्वर शेड से ब्रो बोन को हाईलाइट कर दिया है और इनर कॉर्नर को भी सेम शेड से हाईलाइट किया है। अब लैशेस को कर्ल करने के बाद मस्कारा करके हम फाइनल स्टेप्स की तरफ चलेंगे जो कि है आईलैश अप्लाई करना। तो यहाँ पर अब फाल्सेस भी अप्लाई हो चुकी हैं। फाल्सेस अप्लाई करने से हमारी मेकअप लुक काफ़ी ड्रामेटिक लगता है। आज के मेकअप की फाइनल लुक। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा मेकअप और मेरी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने सोशल सर्कल में शेयर कर दीजिएगा। सो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा।